इस विशाल चुनावी सभा में सर्व समाज के मेरे भाइयों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि 4 घंटा देरी से आने के बाद भी आपने जिस जोशीले अंदाज में स्वागत किया, आशीर्वाद दिया और यहां सर्व समाज के लोग उपस्थित होकर संदेश दिया कि हनुमान जी आप इसी तरह आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मैं हर समय आपके साथ खड़ा मिलूंगा, राजस्थान में जब तक बदलाव नहीं होगा इसी तरह संघर्ष करता रहूंगा, जहां भी आपको मेरी जरूरत पड़ेगी पीठ दिखा के नहीं भागूंगा, आपको धोखा नहीं दूंगा, यह भरोसा मैं सावर और छठा से विधानसभा क्षेत्र के सबसे भाई समय कोशिश यही करते हैं समय पर आपके बीच पहुंचे। बच्चे जिद करते हैं, ट्रैक्टर, घोड़ी, ऊंट, जेसीबी, एक जगह तो बुलडोजर पर बिठाया, मैंने कहा अभी तो सरकारी नहीं बनी, बुलडोजर चलाओगे किस पे ये तो बताओ, वो यूपी में तो बुलडोजर अलग चल रहा है, तो बोले नहीं पहले ही हम तो बुलडोजर भी ले जाएंगे, तो राजनीतिक रूप से संदेश देना चाहते हैं। बच्चों की जिद के आगे मुझे इनकी बात माननी पड़ती है, क्योंकि मेरी ताकत तो नौजवान है और किसान है, थोड़ा थोड़ा समय करते ही आप देखते हो कि टाइम तो हम हर गांव का आधे घंटे का देते हैं, 5-6 दिन वक्ता भी होते हैं, फिर आपका स्वागत सत्कार, फिर ट्रैक्टर ऊंट और घोड़ी पे लाते हो तो 1-1.25 घंटा हो ही जाता है, लेकिन फिर भी मैं आपको धन्यवाद दूंगा, चुनाव है और चुनाव में तो थोड़ा बहुत इंतजार का एक अलग ही मजा होता है, टाइम पे एक जगह में टाइम पे पहुंच गया था तो कोई नहीं मिला, अरे मेरे का कहां गए, बोला आज आप तो आज तक टाइम पे नहीं आए, इतना जल्दी आ गए, रोजा साहब आएंगे नहीं, सो रहे थे सब लोग, सही बात तो जानबूझ के लेट नहीं हो रहे लेकिन थोड़ा थोड़ा लेट हो जाते हैं, फिर भी आप सारी लेट 5 तारीख को निकाल दोगे, मुझे पूरा भरोसा है कि 5 तारीख को जब सावर की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन खुलेगी तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बड़ा बहुमत से आगे निकलेगी, मुझे पूरा भरोसा है। मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूं, राजस्थान के किसान के कर्ज माफी, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, बेरोजगारी भत्ता, रोजगार, मजबूत लोकायुक्त की जिस मांग को लेकर सरकार के माध्यम से मेरे भाइयों को सत्ता के करीब लेकर आया, एक लक्ष्य दिया, एक टारगेट दिया, मैं सोशल मीडिया के साथ साथ जवानों को भी धन्यवाद दूंगा, इन्होंने मेरी बात को समझा, हर चीज में समय लगता है, अंग्रेज जब आए थे व्यापार करने और यह कमजोरी देखिए राज करके आजाद होने में बहुत समय लगा, 200 साल तक अंग्रेजों ने राज किया, लेकिन भाइयों बाद में आजादी मिली, हनुमान बेनीवाल के हाथ में जब राजस्थान, जब हमें मौका मिला विधानसभा में जाने का, लोकसभा में जाने का, तब ऐसा राजस्थान आता है था, कई ऐसे ऐसे परिवार राजस्थान में राज कर रहे थे, अपने घरों से फरमान जारी करते थे बैठे बैठे, मैंने ऐसे ऐसे नेता देखे जो मंदिरों में भी जूते नहीं उतारते थे, मंदिर में जाते थे और लोग उनके नारे लगाते थे और वो भारी वोटों जीतते थे, पहले उनको मैंने ठीक किया, उन जो पुराने पारिवारिक वंशागत राजनीति करते थे, वंशवाद की राजनीति को मारवाड़ में खत्म किया, प्रयास किया, धौलपुर से बाड़मेर, डूंगरपुर से लेकर गंगानगर तक किसान के बेटों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को, सर्व समाज ओबीसी के भाइयों को, सबको एकजुट करके नए राजस्थान के निर्माण की बात की, आपने नए राजस्थान के निर्माण की ऊर्जा भरी, एकजुट किया, संकित किया और इसी का परिणाम है कि धीरे धीरे मैंने आपका भरोसा जीता, जितने भी उपचुनाव हुए राजस्थान के अंदर सिर्फ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ऐसी पार्टी है जिसने सारे उपचुनाव लड़े, खीवसर में जीते, बल्लभनगर में बीजेपी को 4 नंबर पर डाला, दरियावज में समर्थित उम्मीदवार बीटीपी और आरएलपी का उन्हें भाजपा को 3rd डाला, सुजानगढ़ के अंदर भी बीजेपी 4,500 वोट हमसे आगे थी और अब रही सरदार शेर की बात, सरदार शेर के अंदर आप हमें पूरा आशीर्वाद दोगे, यहां वोट लेने और
सेकंड थर्ड से कोई मतलब नहीं है, चुनाव जीतेगा कौन? अगर कांग्रेस जीती अखबार में छपेगा, मीडिया बोलेगा कि मोहनलाल जी की डेथ हुई, सहानुभूति थी, जीत रहे थे पहले से इतने था, और बीजेपी जीती, कह देंगे मोदी जी की हवा है और उनके चेहरे में जीत गई सरदार शहर की सीट। लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जीती तो देश में संदेश जाएगा, राजस्थान का नौजवान बदलाव चाहता है, राजस्थान का पिछड़ा वर्ग दलित बदलाव चाहता है, वो राजस्थान की सत्ता पर कब्जा करना चाहता है, उसका संदेश भाइयों नई क्रांति का आगाज, नई नौजवान किसान राजनीति का उदय सरदार शेर की धरती से आप लोगों को करना है। आपके भाई ने 20-25 साल की जो तपस्या राजस्थान को एकजुट करने को दी, लोगों को जगाया, लोगों के अंदर विश्वास पैदा किया, हर पीड़ित शोषित की बात करी, सर्व समाज की बात करी, पार्टी बनाई, लोग पार्टी नहीं बना पाए, बड़ी बड़ी नींगे आंकते होंगे लेकिन पार्टियों के टिकट मांगने के लिए पार्टियों के दरवाजे पर गए, पार्टी बना के 3 विधायक बनाए जिनमें 2 शेड्यूल कास्ट के विधायक हैं, मेरी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष मेघवाल समाज चाहता है, दूसरी बहन इंदिरा बावरी एक किसान की बावरी समाज की बेटी है जिसको राजस्थान की विधानसभा दिखाई, और 13 टिकट मेघवाल समाज के 9 मुसलमान और 57 उम्मीदवार पिछली बार लड़ाए, हुंकार के माध्यम से संपूर्ण कर्ज माफी फ्री बिजली टोल मुक्त राजस्थान के नारे के साथ शुरुआत की, बड़ी बड़ी रैलियां की जिनका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सका। मैं धन्यवाद दूंगा तमाम राजस्थान के जवानों का, चूरू के सरदार शेर के जवानों का कि हर रैली के अंदर आप अपने अपने साधनों से आए, हनुमान बेनीवाल को जरा सी भी तकलीफ नहीं पड़ने दी और सारे रिकॉर्ड आप, लेकिन सरदार शेर से आपको नया रिकॉर्ड बनाना है। मैंने भी तो रिकॉर्ड बनाया, लोकसभा में जीत के गया, आंदोलन तो था पंजाब का, हरियाणा का किसान साथ आया, दिल्ली और यूपी का किसान साथ आया, किसान सड़क पे था, किसान नेताओं ने मेरे से बात करी, हनुमान जी हमारा साथ दो, कोई साथ नहीं दे रहा है, अगर आप मोदी को छोड़ दोगे तो मोदी को झुकना पड़ेगा। भाइयों सत्ता को ठोकर मारी, मंत्री पद छोड़ा और 70 दिन तक उत्तर भारत का कोई किसान का बेटा सड़क पर बैठा तो नागौर का सांसद था तो किसानों के सम्मान की लड़ाई पे 70 दिन पूरी ठंड सड़क पर बैठा था। जब सेना भर्ती, सेना को ठेके पर दे दिया, अग्निपथ अग्निवीर की बात आई तब देश का कोई एमपी नहीं बोला, लोकसभा के अंदर अग्निपथ वापस लेने की किसी ने बात करी, अग्निवीर की नहीं, अग्निवीर नहीं लेने की बात करी कि 4 साल के लिए कोई अग्निवीर नहीं होता। लोकसभा में मामला उठाया और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चेतावनी दी, प्रधानमंत्री जी किसानों ने आपको झुकाया था, हम उन्हीं किसानों के पुत्र हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई से लेकर आज तक सारी लड़ाई लड़ी, देश की सीमाएं भी अगर सुरक्षित है हमारे बच्चों से, हमसे टक्कर मत लो नहीं तो फिर ठोके चाटना पड़ेगा। मैं विश्वास रहता हूं कि दिल्ली की ओर कूच करेंगे, पूर्व की भांति सेना भी चेक करेंगे। भाई सरदार शेर के अंदर मुझे विकास नजर नहीं आ रहा है, 2,132,000 के जीएसएस स्वीकृत है उनको बनाना है, वोल्टेज की व्यवस्था नहीं, 15 से 20-33 केवी के नए जीएसएस बनाने, हर खेत में सिंचाई का पानी, सरदार शहर के अंदर इस्तेमाल की व्यवस्था सुधरे, सड़क स्कूल बिजली इन तमाम व्यवस्थाओं को अगर कोई ठीक करेगा, विश्वास दिलाता हूं लालचंद जीत के विधानसभा के अंदर जाते हैं 10 महीने में इतना विकास करा देंगे जितना 60 साल के अंदर सरदार शहर में विकास देगा, ये भरोसा मैं आपको दिलाता हूं। मैं ये तो नहीं कहता कि 10 महीने में नहर का पानी घर खेत में ले आऊंगा, योजना बन जाएगी, काम चालू हो जाएगा, लेकिन जीएसएस चालू हो जाएंगे, अस्पताल ठीक हो जाएगा और नए 10 से 15 जीएसएस हाथों हाथ बढ़वा दूंगा, तैयार हो जाएंगे। ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ, ये राजस्थान बदलाव चाहता, हमारी बहन बेटियां कहाँ सुरक्षित, बताओ 8 बजे बाद कोई बहन बेटियां घर से निकलती है, किस सुरक्षा की भावना से हम लोग चलते हैं, हमें इस राजस्थान को बचाना है, भयमुक्त अपराध मुक्त राजस्थान करना, काजल की कोठरी में रहते हुए हनुमान बेनीवाल को कभी दाग नहीं लगा, किसी नहीं कहा कि हनुमान कितने हिस्सा ले लिया।